विद्यार्थियों सुप्रभात। बेटे आजम, सेवंथ क्लास में हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भाषा विचार, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से संबंधित सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने भाषा शब्द का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप और उसमें फर्स्ट पार्ट बेटे जिसका नाम था लिखित भाषा, मौखिक भाषा, उसको हमने रीड किया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझते चलना बेटे। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ लिखित भाषा की परिभाषा है बेटे। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ये पिक्चर देखिए बेटे, इसमें एक बच्ची बैठी हुई है जिसके हाथ में पेन है और सामने नोटबुक ओपन है। ये बच्ची क्या कर रही है बेटे? ये बच्ची लिख रही है इसमें। तो यह भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का लिखित रूप है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिखित भाषा के उदाहरण देखो बेटे। पत्र, जैसे हम लेटर लिखते हैं, लेख किसी भी टॉपिक पर हम छोटा सा लेख लिखते हैं। पत्रिका, पत्रिका में बेटे बहुत सारी न्यूज छपी हुई होती हैं, छोटी छोटी बातें छपी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो होती हैं उसको वे लिखी हुई होती है और हम उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है समाचार पत्र। न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें आती हैं जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। कहानी, कहानी भी जो बुक्स में बेटे छपी हुई होती है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जीवनी, किसी का जीवन परिचय, जीवनी यानी किसी का जीवन परिचय भी जो बुक्स में होता है उसको हम पढ़ते हैं। संस्मरण, किसी को मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति को जब हम याद करके कुछ लेख लिखते हैं तो उसको संस्मरण बोला जाता है। तार वही होता है बेटे जो पत्र भेजा जाता है, ईमेल जो हम फोन के माध्यम से भेजते हैं, ईमेल आईडी जैसी होती है हमारी, तो उस पर जो हम कोई मैसेज भेजते हैं तो सामने वाला उसे पढ़ता है और समझता है। एसएमएस यानी कि कोई भी मैसेज भेजा जाता है, तो इसके माध्यम से ये भाषा का कौन सा रूप है बेटे? ये भाषा का लिखित रूप है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, सांकेतिक भाषा। जब संकेतों यानी कि इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है। बहुत सारी बातें बेटे ऐसी होती है जो न तो हम बोलकर बता सकते हैं, न सुनकर समझ सकते हैं, न लिखकर बता सकते हैं और न ही पढ़कर समझ सकते हैं। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनको संकेतों या इशारों द्वारा समझाया जाता है, वह क्या कहलाता है? उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही। चौराहे पर देखो बेटे, आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, वो हाथों के माध्यम से संकेत करता है। इस पिक्चर में देखे बेटे, ये ट्रैफिक पुलिस का मेंबर है और ये हाथ के इशारों से समझा रहा है कि आप रुक जाइए और आप चलिए। तो इसमें जो आने आवागमन वाले व्यक्ति हैं तो ये इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें रुकना है और हमें चलना है। तो ये जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करने वाला सिपाही भी इशारों के माध्यम से अपनी बातों को समझाता है। नेक्स्ट है मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। मूक और बधिर, मूक होते हैं बेटे जो गूंगे होते हैं, बधिर होते हैं जो बहरे होते हैं। जो गूंगे और बहरे व्यक्ति होते हैं बेटे वो अपनी बातों को इशारे से समझाते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा का रूप होता है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। व्याकरण में मतलब भाषा के दो ही मुख्य रूप पढ़े जाते हैं, माने जाते हैं मौखिक और लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा को उसमें नहीं माना जाता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटे मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, मातृ यानी कि बेटे माँ, माँ द्वारा प्राप्त भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। देखो जैसे बच्चा शिशु के रूप में जन्म लेता है और जब तक उसकी आयु होती है बेटे स्कूल जाने की, उस टाइम के बीच में जो वो है घर पर रहता है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो है परिवार के मेंबर से सीख लेता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यह बालक बच्चा सबसे पहले सीखता है क्योंकि स्कूल तो वह जब उसकी एज हो जाती है तब जाता है ना, लेकिन जो उससे पहले की जो एज में वह घर पर रहा तो बहुत सारी ऐसी बातें जो घर पर वो सीख जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, यदि परिवार में गुजराती भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा क्या होगी? गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है, और यदि बेटे परिवार में कश्मीरी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा क्या होगी? कश्मीरी होगी। जैसे हमारे घर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। तो हमारे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों की मातृभाषा क्या हुई? हिंदी भाषा। तो मातृभाषा क्या होती है बेटे? जो बच्चा घर में रहकर अपनी माँ से या परिवार के व्यक्तियों द्वारा जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। मतलब बच्चा घर पर जो भाषा सीखता, चाहे वह बोली है, हरियाणवी जैसे बच्चे सीखते हैं, तो वह क्या है? वह तो बोली हुई ना, लेकिन हम तो किस कौन सा पाठ कर रहे हैं? भाषा। तो वह भाषा कहलाएगी, जो बच्चा घर पर सीखेगा वह मातृभाषा का रूप होगा। जैसे यहाँ पिक्चर लगी एक प्यारी सी कि हिंदी पढ़े, हिंदी पढ़ाए, मातृभाषा की सेवा कर देश को महान बनाए। तो हमारी मातृभाषा क्या है बेटे? हमारी जैसे राष्ट्रभाषा, मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो इसको पढ़कर हमें इसको अपने देश को महान बनाना है। आगे देखिए बेटे, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को देश के अधिकतर निवासी प्रयोग में लाते हैं उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। मोस्टली बेटे जो देश हैं सबकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी है। जापान की राष्ट्रभाषा? जापानी। रूस की राष्ट्रभाषा? रूसी। फ्रांस की राष्ट्रभाषा क्या है? फ्रेंच है। तो देखो लगभग जितने भी देश है बेटे सभी की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। क्यों है? क्योंकि बेटे वहां के निवासी अधिकतर जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं वही उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है। अपने भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकतर व्यक्ति इस भाषा को बेटे यूज करते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट बार देखिए, नेक्स्ट बेटे राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है। जिस भाषा को देश के कार्यालयों में और राजकाज के कार्यों में प्रयोग किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है तो अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। भारत में जो राजकाज के कार्य हैं हिंदी भाषा में होते बेटे, ज्यादातर फिर अंग्रेजी में भी होते हैं। तो हमारे यहाँ राजभाषा दोनों है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी, लेकिन मुख्य रूप से भारत की राजभाषा हिंदी ही है। जैसे अमेरिका की क्या है बेटे? अंग्रेजी। तो राजभाषा वो होती है जो कार्यालयों में या राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है, और जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। अब हमें समझना बेटे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। देखो जैसे मैंने आपको बताया बेटे कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, मतलब जो अनपढ़ लोग भी जिसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी मतलब हिंदी भाषा बोलेगा तो हर कोई उसको समझ लेगा। लेकिन राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जो देश के राजकाज के कार्यों में, मतलब जो रिटर्न फॉर्म में जो काम चलते हैं, वो बेटे जो फॉर्म वगैरह है, जो देश से रिलेटेड जो बातें हैं वो लिखने से समझ जैसे सेव करके रखते हैं बेटे, वो किसमें है? वो राजभाषा के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रभाषा देश के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जिसको अधिकतर निवासी बोलते हैं वह राष्ट्रभाषा होती है, और राजभाषा होती है जिस जो राजकाज के कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है। तो बेटे ये था हमारा आज का कंसेप्ट जो आपको अकॉर्डिंग टू वीडियो अपनी नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे।